जम्मू कश्मीर में जो असेंबली इलेक्शन हो रहे हैं, 700 कैंडिडेट्स रफली कंटेस्ट करेंगे, 90 विनिंग कैंडिडेट्स होंगे, पर मिनिस्टर अनाउंसमेंट जो हुआ है कि ये कैंडिडेट जीतेंगे, मंत्री बनेंगे, वो सिर्फ एक हैं, वो आप हैं, शक्तिराज परिहार, जो कि तरुण चुगजी ने आपकी एक रैली में किया 2 दिन पहले। क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करूंगा कि आप इतने दूर से यहाँ आज यहाँ चल के आए हैं। पार्टी हाईकमांड ने मैंडेट दिया है, मैं धन्यवाद करूंगा, आभार प्रकट करूंगा कि उनने मुझ पर भरोसा जताया है। पहले भी मैं विधायक रहा हूँ डोडा से, तब डोडा कांस्टिट्यूंसी, डोडा डिस्ट्रिक्ट की 2 कांस्टिट्यूंसी थी, डोडा और भद्रवाह। डिलिमिटेशन के बाद आज 3 कांस्टिट्यूंसी बनी है, डोडा है, डोडा वेस्ट और भद्रवाह है। इस पर कुछ रामबन का कुछ एरिया है और इंद्रवाल से भी किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट का भी इसमें आया है। तो कांस्टिट्यूंसी विद इन डिस्ट्रिक्ट जो इस बार बनी है, उसमें 1 कांस्टिट्यूंसी डोडा में बड़ी है। डोडा वेस्ट से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और एक अच्छा माहौल पूरे इस डोडा डिस्ट्रिक्ट में है और लक्ष्य टारगेट हमारा है कि न केवल डोडा वेस्ट बल्कि डोडा की सीट, भदरवा की सीट, तीनों सीटें हम यहाँ से जीतें, उस पर काम कर रहे हैं। तो पिछले जो आप जिक्र कर रहे थे, हमारी एक रैली थी यहाँ, मरमत मंडल है, एक मंडल की रैली थी, वो कोई कांस्टिट्यूंसी की नहीं थी जी। उसमें भावुक होकर, इमोशनल होकर, लोगों के जोश जज्बे को देख के आदरणीय तरुण चुग जी ने कुछ कहा वहां पे, मैं वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आने वाले टाइम में हमारा लक्ष्य होगा कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। मंत्री कौन बनता है, क्या बनता है, ये कोई क्राइटेरिया हमारे लिए नहीं है। हमारा लक्ष्य है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का। पहले एक जमाना था कि ये स्ट्रांग होल्ड होता था, डोडा रीजन किश्तवाड़ को इंक्लूड करते हैं, कांग्रेस का। आज के दिन पे अगर हम बीजेपी के प्रोस्पेक्टिव से बात करें तो 2 बड़े लीडर्स जो बीजेपी के हैं, क्योंकि बीजेपी में बड़ा घमासान हुआ सीट्स को लेके, कई नाम ऊपर तक चले, एंड तक नाम अनाउंस नहीं हुए, लेकिन एक पिक्चर क्लियर थी कि 2 नाम जो क्लियर हैं वो 2 नाम डोडा रीजन से हैं, शक्ति परिहार, सुनील शर्मा। तो किस तरह से आप दोनों ने इस एरिया की पॉलिटिक्स को पूरे तरीके में, बीजेपी को एक स्ट्रांग प्लेयर बनाया? डोडा में पार्टी संगठन ने मुझे यहाँ 2012 में यहाँ भेजा था। उससे पहले का जो चुनाव यहाँ पे हुआ था 2008 का, तो हम केवल 2800 वोट लिए थे यहाँ से, 3000 भी क्रॉस नहीं किए थे। तो पार्टी ने मुझे यहाँ एज ए प्रभारी के नाते डोडा डिस्ट्रिक्ट में भेजा था और अल्टीमेट लक्ष्य टारगेट हमारा था कि हम पार्टी को मजबूत करें, संगठन को मजबूत करें, नए लोगों को पार्टी के साथ जोड़ें। 2012 से लगातार 2.5 साल काम करते रहे और जब असेंबली का चुनाव हुआ तो हमने 24,500 वोट यहाँ पे लिए और तब के कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ कांग्रेस के, एनसी के एक्स होम मिनिस्टर, उनको यहाँ पे हरा के पार्टी यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीती। हम सरकार में भी रहे, 3-3.5 साल का मौका मिला एज एमएलए काम करने का, मंत्री भी कुछ दिनों के लिए रहे। सरकार जाने के बाद भी जब भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट विड्रॉ की और सरकार जम्मू कश्मीर में गिर गई, उसके बाद भी लगातार 2018 से लेकर आज 24 तक, चाहे वो डिलिमिटेशन हुई, डिलिमिटेशन में नया एरिया जो हमारे साथ जुड़ा, देसा हो, कास्तीगढ़ हो, असर का इलाका हो, 3 मंडल हमारे नए जुड़े, वो कोई ऐसी जगह नहीं, कोई ऐसा गांव नहीं, कोई ऐसा एरिया नहीं जहां पे हम ऑलरेडी वहां पहुंचे हैं, लोगों को जोड़ा है, पार्टी को मजबूत किया है। और ये खुशी की बात है कि इस बार जब पार्लियामेंट का चुनाव था, बीजेपी वर्सेज आल था, उसमें भी हमने यहाँ से डोडा वेस्ट से लीड की, बीजेपी वर्सेज आल होने के बावजूद भी हमने यहाँ डोडा वेस्ट से लीड की और डोडा और डोडा वेस्ट से हमने 48,000 वोट भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से लिया। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत सारे कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं और हम, मेरा ये मानना है कि यहाँ डोडा में एक सर्वाइवल की बात है। हम भारतीय जनता पार्टी ही केवल एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने 90s के उस दौर में जब यहाँ आतंकवाद था, मिलिटेंसी पीक पे थी, उस वक्त अगर कोई पार्टी लोगों के साथ खड़ी हुई तो वो भारतीय जनता पार्टी हुई। लोगों को इस बात का एहसास है और आज भी आप देखेंगे कि जो एक माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी सरकार बनी,
तीसरी बार, और लोगों को एक विश्वास है, पार्टी संगठन पे भरोसा है, मोदी सरकार पे भरोसा है। जो काम पिछले 10 सालों में यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हों, आप डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम जो लोगों को मिली है उससे लोग बहुत प्रभावित हैं, और 3 साल का जो मेरा कार्यकाल जो रहा है इस एरिया में जो काम डेवलपमेंट के किए हैं और पार्टी संगठन को मजबूत करने का जो काम किया है, मैं ये विश्वास से कह सकता हूं कि डोडा वेस्ट तो हम बड़े मार्जिन से जीतेंगे, साथ में भद्रावा और डोडा की सीट भी, जिला की तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेंगे। शक्ति जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि आपने कहा कि हम 3 सीट्स यहाँ से जीतेंगे, क्योंकि आप पार्टी के थिंक टैंक में भी हैं, आप डिसीशन मेकिंग बॉडीज में भी रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि 2 नामों पे पहले से ही क्लियरेंस थी, यही होंगे, तो बीजेपी क्या नंबर एक्सपेक्ट कर रही है कि वो जम्मू कश्मीर में लाएगी और सरकार में आने की कोशिश करेगी? देखिए, पार्टी ने जो लक्ष्य लिया है 50 के पार, यानी जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए, तो 46 सीट्स तो आपको चाहिए। तो पार्टी ने जो लक्ष्य लिया है कि 50 के पार हमको जाना है, और उसमें ये जो बेल्ट है हमारा, जो राममन हो, डोडा हो, किश्तवाड़ हो, रजौरी पुंछ, ये 5 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, इन पे निर्भर करेगा कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ कहाँ तक पहुँच सकता है। इसीलिए हमको जम्मू, कठुआ, उधमपुर, सांबा के मुकाबले यहाँ बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ के हालात को देखें, यहाँ की परिस्थितियों को देखते हुए यहाँ का कार्यकर्ता काफ़ी ज़्यादा और एग्रेसिव होकर यहाँ मेहनत करता है, और इन डिस्ट्रिक्ट से इन सीटों को जीतना ये निर्भर करेगा कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ कहाँ पहुँचता है। आपने कहा, आप देखेंगे पिछली बार भी जो हमारा चंद्रभागा है, इसकी 6 सीट थी जिसमें हमने 4 जीती, राममन, डोडा, भद्रवा और किश्तवाड़ जी। इस बार डिलिमिटेशन में 8 सीट्स हैं, तो मेरा अपना मानना है कि 8 में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतेगी, और वही सीटें जो यहाँ की होंगी वो सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाएंगी। Viewers, this was Shakti Parihar, who made a statement that in the Doda Kishtwar region and also Ramban belt, that BJP will win at least 7 out of 8 seats, and which will help BJP for forming government in Jammu and Kashmir. Thank you so much, Shakti.